मनाली से 300 किलोमीटर दूर किन्नौर में आने वाले इस वैली का नाम है सांगला वैली। और मैं जहां आज आप लोगों को ले जाने वाला हूं, वो सिर्फ हिमाचल का ही नहीं बल्कि इंडिया का लास्ट विलेज है। तो स्वागत है आप सभी का इंडिया के लास्ट विलेज चितकुल में। गाइस पहुंच चुके हैं अभी सांगला। सांगला का ये बेसिकली मार्केट है। हाँ सांगला बहुत प्यारी प्यारी जगह है भाई, बहुत प्यारी जगह। छोटा सा मार्केट है लेकिन बहुत प्यारा है। चलते करके ओरे, अरे भाई ये सही काम कर रहा है बंदा, बहुत बढ़िया। अरे भाई मस्त है। अबे यार बहुत प्यारा भी आ रहा है, बहुत मस्त है। बाय। चलो अपनी एक गाड़ी तो निकल गए गाइस। अभी वो फील आ रहा है कि भाई अभी हिमाचल में है गाइस। अभी फील आ रहा है, ठंडी की वजह से लग रहा है कि हिमाचल में है हम लोग। तो करंटली वी आर इन सांगला बेसिकली, तो सांगला मार्केट में, और इसके आगे कोई मार्केट नहीं है। तो अपन यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉपिंग कर ले, शॉपिंग जो था इधर ही किया, जूस वगैरह अमरुद वगैरह केला वगैरह, मतलब सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए चाय के साथ के लिए थोड़ा सा ये सब। दिल बैठाना था तुझ तक ही आना था रास्ता, लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां। अब नई सी है उम्मीद जगी, छोड़े से ये हैं इंडिया के लास्ट विलेज चितकुल में। और क्या मतलब प्यारा नज़ारा है। सो दिस इज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया चितकुल। हाइट 11,320 feet फ्रॉम सी। भाई साहब संदीप भाई आजा, मैं आ रहा हूँ नीचे। चितकुल जितना ही प्यारा गांव है उतनी ही खतरनाक है वो सड़क जो आपको इस गांव तक लेकर जाती है। सी लेवल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसपा नदी के किनारे बसा ये छोटा सा गांव जितना ही सुंदर है उतनी ही साफ है यहाँ की हवा। IIT के एक रिसर्च में पाया गया कि चितकुल में इंडिया की सबसे फ्रेश एयर पाई जाती है। अगर मैं चितकुल की एयर क्वालिटी दिल्ली की एयर क्वालिटी के साथ कंपेयर करूँ तो वो लगभग 30 गुना ज़्यादा साफ है। यहाँ की फ्रेश एयर क्वालिटी का राज सिर्फ ये नहीं है कि चितकुल एक रिमोट एरिया है और शहर की पॉल्यूशन से बहुत दूर है, बल्कि चितकुल की फ्रेश एयर क्वालिटी का सबसे बड़ा कारण है सांगला वैली का ये फॉरेस्ट। पाइन और देवदार के बड़े बड़े पेड़ों वाली ये फॉरेस्ट जितनी मदद यहाँ की एयर क्वालिटी को साफ रखने में करते हैं उतनी ही मदद ये पेड़ 900 लोगों के गांव को बसाने में भी करते हैं। चितकुल में ज़्यादातर घर आपको इन्हीं पेड़ों की लकड़ी से बने हुए मिलेंगे। अभी प्रॉपर वाइट कर दिया मैंने। हाँ बढ़िया है भाई, है ना। वॉलीबॉल खेले क्या हाथ में लग गया।
मैंने बहुत खेला अपने गांव में, मैंने स्कूल में बहुत खेला, यहां तो गांव में बहुत खेले, मतलब टीम में थे अपने, खेले थे हम नॉर्मल भाई, एक खेल होता था, एक विलेज से दूसरे विलेज का मैच होता था। मैं तो ना अबे वर्ष की याद और स्पीच में आते भाई, अबे यार खेलने नहीं देंगे। हां हां भाई, हां खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं अगर हो तो। हाँ यार क्रिकेट का मैं बैट का सेटिंग कर रहा हूं, मैं बॉल लेके आया हूं। बॉल लेके आया? अरे हां मेरे को कैच नहीं लगाया सर। अरे यहां पे बैट तो मिल जाएगा यार, बैट मांग ले भाई, टेंट पे कोई तो अरेंज कर ही देगा। अरे बहुत सही यार, ये लाइफ होती है। ठंड लग रही है? इधर है बताओ कैसा है ब्रो भाई, इसको जैकेट जैकेट नहीं है यार। सुन भाई आपका वो कैसा रहा, लैंडस्लाइड हो गया था? कहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया था ना इसका? अरे आप तो पहले गिर रहे हो, वो पहले का गिरा हुआ था भाई पत्थर। ये साला स्कैम कर रहा है। ये ले भाई पहले का पत्थर गिरा हुआ, पहले के जो लैंडस्लाइड बोल रहे हैं ये लोग, क्या स्कैम कर रहे हैं भाई लोग के साथ? इनकी वजह से लोग घर के बाहर निकल नहीं निकलते, क्या ले ले भाई जैकेट। बट बहुत प्यारा है, डालेंगे डालेगा हाँ जी। गाइस तो पहुंच चुके हैं कैंप पे, ये कुछ हमारा इस तरीके का कैंप है। और भाई साहब सबसे बड़ी दिक्कत बहुत ज़्यादा ठंड है, और वो बाथरूम में ठंडा पानी, ये क्या है भाई बहुत ठंडी हो रही है भाई। जैकेट जैकेट का है? जैकेट हम अभिषेक भैया के भरोसे है भाई, वो पता नहीं भाई कब पहुंचे, जैकेट ला दो यार जैकेट। अरे अरे भाई जीबी से आ रहा है तो हम कब पहुंचे, जैकेट कब पहुंचेगा वो भी तो सोचो। जैकेट के पीछे की मिस्ट्री तो बता दो भाई। भाई साहब सवेरे रील बना रहे थे बालकनी में बैठ के, वहीं जैकेट खोला वहीं छोड़ दिया। और अपना कैंप है ये रिवर साइड कैंप, सवेरे उठूँगा तो बहुत अच्छे से आपको दिखाता हूँ, बाकी बहुत प्यारी लोकेशन है। और ये अपने ओए संकेत किधर भाग रहा है? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लास्ट विलेज ऑफ चितकुल, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया चितकुल। और हम लोग का स्टे कल टेंट्स में था, क्या प्यारे टेंट्स लग रहे हैं यार। दिल्ली मुंबई में तो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल डीजल से चलने वाली आटा चक्की आपने बहुत देखी होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ एक ऐसी आटा चक्की जो कि पहाड़ों से आ रहे पानी के प्रेशर से चलती है। ये चक्की को कहते हैं घराट। घराट को चलाने के लिए आपको ना तो किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और ना पेट्रोल और ना डीजल की कोई टेंशन। आटा पीसने के इस तरीके को कहते हैं वाटर मिल, और वाटर मिल को चलाना बहुत ही सिंपल है। बस आपको इतना करना है, जो पहाड़ों से पानी का फ्लो आ रहा है उसको सही डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है। इस ट्रैवल सीरीज़ का ये पहला वीडियो है, इससे पहले का एक वीडियो मैंने स्किप किया है जो मैं बाद में डालूंगा, और इसके आगे अभी हम ताबो और काजा एक्सप्लोर करने चलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए, और होप सो बहुत जल्दी इसके आगे के वीडियोस भी आ जाएंगे। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चले गाइस फिर चिपकुल को बाय कहने का टाइम आ गया। बाय गाइस, इस प्यारे प्यारे नज़ारों को छोड़ के जाने का टाइम आ गया भाई। यहाँ चाहिए था एक दिन और चाहिए था, और बिना मतलब थोड़ा वैसे चाहिए था कि मज़े मज़े।